राम। राम 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 संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृतयोगी चित्तम् अंतुंत्रतापमनिषम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानुसाली परिपीत पराग पुण्यम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाव्यनेत्रम् हेमांबरं वर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इधर
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सियराम के हनुमत हो जाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धामयी माता, श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में स्थित यह आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ की धरित्री जो आप्त काम महात्मा राम भगवत प्राप्त महात्माओं की चरण धूलि से धन्य हुई है, यहाँ उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का सुयोग प्राप्त होना प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा का ही दर्शन है। भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीताराम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम
राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी कल कविता कमाल की विकल बिहाल जन बाची के निहाल भये गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी ठोंकी ठोंकी ताल कूदे केते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। लीला सगुन जो कहूं बखानी लीला सगुन जो कहूं बखानी लीला सगुन जो कहूं बखानी सगुन आ Ah
पास लेला सर। संत शेखर कलिपावना अवतार श्री सीताराम चरणामबुज चंचरीक भगवद भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। यह पावन पंक्ति श्री रामचरित मानस में उद्धृत करते हैं, जिसका आशय है भगवान की सगुण लीला श्री राघवेंद्र की चारु चरितावली, यही श्री रामचरित मानस सरोवर की जल की स्वच्छता है। सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को तन की पवित्रता प्राप्त होती है और श्री राघवेंद्र के स्वयस वारी में मन शरीर से अवगाहन करने से साधक को जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि। यह श्री राघवेंद्र की लीला है, जिस प्रसंग की पावन चर्चा कल से प्रभु कृपा से आरंभ हुई है। उस प्रसंग के द्वारा एक संदेश हमें मिलता है, परिस्थिति परिवर्तित हुई पर श्री राम जी की मन स्थिति नहीं बदली। वे परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को बनाने की कला में कुशल हैं, क्योंकि मन के अनुसार परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती, परिस्थिति के अनुसार मन को परिवर्तित करना होता है और मन को वही व्यक्ति परिवर्तित कर सकता है जिसका मन पर अधिकार हो। रावण ने तो बड़ा सहज वरदान मांगा ऐसा लगता है, रावण मरण मनुज कर जांचा। हम मनुष्य के हाथ से मरे और इसमें संकेत यही है कि रावण को आप व्यक्ति के रूप में न देखें, दानवता की वृत्ति के रूप में यदि देखें तो रावण ने वरदान ठीक ही मांगा है, दानवता जब मिटेगी तो मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है मानव। तो किसी ने रावण से कहा कि मृत्यु तो बड़ी सरल हो गई, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण ने कहा कि यह ठीक है कि मनुष्य के हाथ से मैं मरूं, लेकिन मैं मनुष्य किसी को रहने दूं तब तो। मनुष्य की आकृति होगी, मनुष्य की प्रकृति नहीं होगी। और यही कारण है कि रावण ने सबको बदल दिया और रावण के राज्य में मनुष्य के रूप में धर्म का आचरण करना यह इंसान के बस की बात नहीं है, यह तो भगवान के ही बस की बात है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा। अच्छा, रावण ने एक बात और कही, वानर मनुज जाति दुई वाने, वानर। अब
हनुमान जी राम जी के साथ आए, राम जी नर बनकर आए, हनुमान जी वानर के रूप में आए। और वैसे देखें तो हम लोगों को नर देह मिली है, हम सबके साथ, हम जब नर बने हैं एक एक वानर हम सबके साथ है। और इसको कबीरदास जी बहुत सांकेतिक ढंग से कहते हैं, क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो याको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो वे अपने सत्संगियों से कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी ले वे घी वो बनारस जाए। और यह कहकर बोले सत्संग हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया, पर बात तो बड़ी समझदारी की कही। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, बंदर गौ दूहन कर रहा है। और ये बंदर कौन है? मन ही बंदर है, और गौ नाम इंद्रियों का है। ये बंदर गाय दूह रहा है, इसका अर्थ है यह मन ही इन इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है। आंख में देखने की शक्ति है, मन कहता हमारे लिए देखो, श्रवण से कहता हमारे लिए सुनो, रसना से कहता हमारे लिए स्वाद लो, दूध दूध तो सब पी लेवे, और घी वो बनारस जाए। दूध क्या? इन इंद्रियों की जो यौवन शक्ति है उसको तो यह सब पी लेता है। अब घी, बिना दूध का घी, बिना शक्ति का जीवन, बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा वृद्धावस्था, तब का घी वो बनारस जाए। लोग सोचते हैं अब काशी चलेंगे, वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं यह अचंभा रोज ही देख रहे हैं। तो ये बंदर, ये वानर तो सबको मिला है, पर श्री हनुमान जी वानर रूप में हैं, पर वे राम जी के सेवक हैं, राम जी उनके स्वामी हैं। और रावण ने सांकेतिक ढंग से बात तो बड़ी अद्भुत कही है कि जो वानर का स्वामी है वह नर मुझे मार सकेगा। और इसका अर्थ है कि दानवता और ये विकार आदि दोष उस मानव के द्वारा मिटेंगे जो मानव मन का स्वामी होगा। यही राम कथा का संदेश है। तो यह कथा पुरातन तो है, पर हमारे समस्त सदग्रंथों की यही महिमा है कि वे पुरातन होते हुए भी सनातन है। पुरातन इस अर्थ में है कि ऐतिहासिक रूप में यह महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, यह कोई मिथक नहीं है, कल्पना नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह हुए हैं इसलिए पुरातन है, और आज भी हो रहे हैं इसलिए सनातन है। और यही कारण है कि श्री राम जी को एक दिन पूर्व सूचना मिली